कैसे शुरू करें? क्या आप भी एक ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट भी कम हो और सरकार भी आपकी मदद करे, लेकिन आपकी समझ में नहीं आ रहा? अगर आप भी कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसा ही बिजनेस आइडिया जहां सरकार की तरफ से 50% सब्सिडी मिलेगी। आज इस वीडियो में हम आपको इस बिजनेस से जुड़ी पूरी जानकारी देंगे। वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। मोती की खेती काफी अच्छा बिजनेस ऑप्शन है। आज भी ज्यादातर लोग इस बिजनेस के बारे में जानते तक नहीं हैं, लेकिन पिछले कुछ साल में इस पर फोकस बढ़ा है। गुजरात के इलाकों में इसकी खेती से किसानों को काफी फायदा हुआ है। वहीं ओडिशा और बेंगलुरु में भी इसका अच्छा स्कोप है। मोती की खेती में कमाई भी अच्छी होती है। मोती की खेती के लिए किन चीजों की आवश्यकता होगी? मोती की खेती के लिए आपको एक तालाब, सीप जिससे मोती तैयार होता है, और ट्रेनिंग, इन तीनों चीजों की जरूरत होती है। मोती की खेती के लिए ट्रेनिंग। अगर आप ये बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले जानना होगा कि मोती की खेती होती कैसे है। अब इसके लिए आपको ट्रेनिंग की जरूरत होगी। इसकी ट्रेनिंग के लिए देश में कई संस्थान हैं। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद और मुंबई से मोती की खेती की ट्रेनिंग आप ले सकते हैं। इन्वेस्टमेंट कितना होगा? एक सीप के तैयार होने में 25 से 35 रुपए का खर्च आता है, जबकि तैयार होने के बाद एक सीप से दो मोती निकलते हैं और एक मोती कम से कम 120 रुपए में बिकता है। अगर क्वालिटी अच्छी हुई तो लगभग 200 रुपए से भी ज्यादा की कीमत मिल सकती है। अगर आप एक एकड़ के तालाब में 25,000 सीपियां डालें, तो इस पर लगभग 8,00,000 रुपए का खर्च आता है। इस बिजनेस के लिए सरकार भी आपकी मदद करती है। आपके इन्वेस्टमेंट पर सरकार से आपको 50% तक की सब्सिडी मिल सकती है। कैसे करें शुरुआत? इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले एक फार्म बनाना होगा जिसमें तालाब या फिर कल्चर यूनिट हो। इसके बाद आपको उसमें मसल या पर्ल ऑयस्टर का बीज डालना होगा। ऑयस्टर को प्री कल्चर के लिए तैयार किया जाता है। उसके बाद ऑयस्टर का इम्प्लांटेशन या फिर ग्राफ्टिंग करनी होगी। बाद में आपको इसे पोस्ट ऑपरेटिंग में रखना होगा। इसके लिए नायलॉन बैग का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। पोस्ट ऑपरेटिंग के बाद आपको इसे बॉक्स में बंद करके रस्सी से लटका कर तालाब में रखना होगा। 12 से 15 महीने के बाद हार्वेस्टिंग आप कर सकते हैं। इसके लिए आप मेटल टिश्यू से पर्ल को बैग से बाहर निकाल सकते हैं। मुनाफा कितना होगा? पर्ल फार्मिंग में आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आपके फार्म में जितना प्रोडक्शन हो, आपको लगभग 10 से 30% तक के प्रोडक्शन पर प्रॉफिट हो सकता है। मार्केटिंग कैसे करें? आज के समय में बहुत लोग मोती की खेती करने में लगे हैं, क्योंकि इसकी डिमांड काफी ज्यादा है। इसकी मार्केटिंग के लिए आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, या फिर आप मार्केटिंग करने के लिए किसी ज्वेलरी शॉप या फिर गिफ्ट हाउस से भी कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हमने आपको कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा मुनाफा देने वाले बिजनेस के बारे में बताया, जिसके लिए सरकार सब्सिडी भी दे रही है। ऐसे में आप भी अपना पर्ल फार्मिंग का बिजनेस शुरू करें और कमाएं अच्छा मुनाफा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, और ऐसे और बिजनेस आइडियाज के लिए हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं।